सॉरी लेकिन राघव, लेकिन मुझे जाना होगा। पर राघव तुम ऐसी हालत में कैसे जाओगे? नो मरी, मैं ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करूंगा, मैंने ड्राइवर बुलाया हुआ है। मयूरा, ये सब के लिए ना थैंक यू, अभी एकदम अर्जेंट काम आ गया इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर। सॉरी बाय। क्या 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 कह रहा था है? कल 11 बजे तक ओमकार मुक्त हो जाए, मतलब होना क्या है 11 बजे? इसका मतलब ओमकार की जान को खतरा है। कल 11 बजे पक्का राघव कुछ ना कुछ करने वाला है। माँ जी, हमें कुछ भी करके 11 बजे से पहले ओमकार को जेल से छुड़ाना ही होगा, या तो क्राइम ब्रांच वालों को जल्द से जल्द बुलाना होगा। एटलीस्ट ओमकार सुरक्षित तो रहेगा। माँ जी, हाँ, आपने वो वीडियो रिकॉर्ड किया है ना? अभी आप मुझे वो दीजिए, मैं क्राइम ब्रांच वालों को अभी फॉरवर्ड करती हूँ। दीजिए, और जज को भी, ताकि इस बिना पे ओमकार को बेल मिल सके। हाँ दीजिए जल्दी। काबू, बटन दबा। चले, एक काम भी ठीक से ना होता जैसे। ठीक है दी, आप मेरे साथ चलिए। हम जज के पास जाते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी। चीजों, आप कुछ भी करके पता लगाइए कि 11 बजे एग्जैक्टली राघव क्या करने की सोच रहा है। कुछ भी कीजिए, पर आप पता लगाइए। ये नर्मदा मैया, 11 बजे के पहले पहले कुछ भी करके मैं ओमकार को जेल से रिहा करके रहूंगी। बड़बड़ कर दी। फिर मयूरा को मुझ पे शक। नहीं, मेरा प्लान फेल नहीं होना चाहिए। सुनो, तुम्हें मालूम है ना क्या करना है? गुड, जी बिल्कुल ठीक है, थैंक यू। क्या हुआ मयूरा? हाँ जी, क्राइम ब्रांच वालों का फोन था, वो लोग 9 बजे तक पहुंच रहे। राघव कुछ नहीं कर पाएगा। जय हो नर्मदा मैया की। मैंने भी जज से बात करके बेल की परमिशन ले ली है। हम 11 बजे से पहले ओमकार को छुड़वा पाएंगे। अभी 7 बज रहे हैं, हमारे पास टाइम। एक बुरी खबर है, ओमकार को जेल से निकाल के अभी के अभी कहीं ले जा रहे हैं। चलो साइड पे लेकर चलो इनको। ऐसे कैसे काम पे लेकर जा रहे हो?
अभी तक मैं गुनहगार साबित नहीं हुआ। यहाँ जो मुफ्त की रोटियाँ तोड़ रहा है उसका खर्चा कितना बाप देगा? बाप पे गया ना तो मुंह तोड़ दूंगा। किसके ऑर्डर पर लेकर जा रहे हमें? आज क्राइम ब्रांच मेरे केस की जांच करेगी। मेरा यहाँ रहना जरूरी है। तेरी जांच तो मैं करूंगा। उसे गाड़ी में। हाँ पांडे जी, सब प्लान के मुताबिक हो रहा है ना? जी सर, हम उधर साइट पर लेके जा रहे हैं। पांडे जी याद रहे, इस बार कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। घूमकर जा तो रहा है लेकिन जिंदा वापस नहीं आना चाहिए। जी पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। पता नहीं कहां ले जा रहे हैं ये लोग मुझे ऐसे अचानक। ओमकार, हम लोग लेट हो गए। वो लोग ओमकार को ले गए, आप क्या करेंगे? मयूरा, इतनी सुबह सुबह वो भी तुम यहाँ, क्या हुआ? ऑल वेल? वो मैं ओमकार से मिलने आई थी, मुझे उससे कोई जरूरी काम है। मयूरा एक सेकंड, मैं तुम्हें बताना भूल गया। आज सारे मुजरिमों को ना एक वर्कशॉप के लिए लेके गए हैं। वर्कशॉप? राघव, ओमकार अभी तक के मुजरिम साबित नहीं हुआ है तो बाकी मुजरिमों के साथ उसे क्यों ले गए? मयूरा मेरा विश्वास करो, मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करी लेकिन मेरे सीनियर्स का ऑर्डर था। वो कह रहे थे कि ये वर्कशॉप भी कैदियों के लिए बहुत फायदेमंद है। एक काम करते हैं ना, जब तक वो लोग लौट के आएंगे हम लोग बैठ के एक एक कप चाय पीते हैं। क्यों? गए वो ओमकार को? काश मैं तुम्हें बता पाता लेकिन ड्यूटी के वचन से मजबूर हूं। हेलो हवलदार साहब, गोपीनाथ जी, रास्ते में काफी हरियाली है जहां आप मुझे लेकर जा रहे हैं। इतने सारे आम के पेड़ आम के बगीचे में लेकर जा रहे हो क्या? और ये छोटा सा मंदिर इतना सुंदर है ना? जी जी। मयूरा क्या हुआ? ऑल वेल? वो माँ जी का फोन था, मुझे माँ जी से मिलने जाना है अर्जेंटली। दीजिए। जो मयूरा को मुझ पर शक हो गया है। हाँ पांडे जी, जितनी जल्दी हो सके प्लान को अंजाम दे दीजिए। और हाँ एक बात पे ध्यान रहे, ये पूरी तरह एक्सीडेंट लगना चाहिए, एनकाउंटर नहीं, समझे? जी सर, आप फिक्र मत कीजिए। दे आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। चलो बहुत सेट सपाटा हो गया, निकालो बाहर इनको। कौन सी जगह लेकर आई हो? अपने काम से काम रखो। तुम लोगों को यहाँ की साफ सफाई करनी है। प्रशासन यहाँ पे एक कार्यालय बनाना चाहता है। तुम ये बाहर के चार जंगल साफ करो और ओमकार तुम अंदर का शेड एरिया। मैंने कहा था ना तुम मुझसे काम नहीं करवा सकते। अभी तक मैं दोषी साबित नहीं हुआ। अरे तो महाराज कानून में थोड़ा एहसान कर दो, कानून आपका एहसान मंद रहेगा। चलो ले चलो अंदर।
ये पूरी जगह की साफ सफाई करनी है। मैं जानता हूं पांडे जी, तुम्हारा एसीपी है जानबूझकर कर रहा है, पर जिसे जो करना है कर ले, मैं सफाई का काम नहीं करूंगा। तो ठीक है, यहां बैठ के ध्यान कर, अनुलोम विलोम कर, जो मन में आए वो कर। चल। ओमकार ने इसी जगह का जिक्र किया था और उसके बाद फोन कट गया। और यहाँ तो तीन रास्ते हैं। पता नहीं ओमकार को किस रास्ते से कहाँ ले गए होंगे, कैसे ढूंढे उसको। हमें ना राघव से ही सवाल करने चाहिए थे कि आखिर बताए ओमकार के साथ करने क्या वाला है। नहीं दी, ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकते थे। राघव सतर्क हो जाता। हमें अलग अलग होकर ओमकार को तीनों रास्ते पर ढूंढना होगा। ठीक है, अगर ओमकार के बारे में कुछ भी पता चले आप लोग मुझे तुरंत फोन करना। जीजू प्लीज, कुछ भी हो जाए पर ओमकार को कुछ मत होने देना। चिंता मत करो मेरा, ओमकार को कुछ नहीं होगा। मैं इधर देखता हूं। मैं आगे देखती हूँ। ऐसी जगह में सिलेंडर भी भरा हुआ, जरूर उस राघव के शैतानी दिमाग में कोई खुराफात चल रही है। मुझे जल्द से जल्द यहां से बाहर निकलना होगा। आयो। ठीक है सर जी, 10 मिनट में ऐसा धमाका होगा कि शरीर के चिथड़े चिथड़े उड़ जाएंगे। हाँ चुप, वो ओमकार का कमरा है। चल चल जी। सर काम हो गया। चल चल। मौत आ गई थी क्या? क्यों बुलाया मुझे? देखो मेरा समय बर्बाद मत करो, मुझे कहीं बहुत जरूरी काम से जाना है। आखिर क्या बदतमीजी है। संगमरमर सरताज ओमकार शुक्ला का केस, क्राइम ब्रांच। हाँ तो मुझे पता है कि ओमकार का केस क्राइम ब्रांच हैंडल कर रही है। अरे उसी समस्या का समाधान करने जा रहा था मैं, जब तुमने मुझे धप्पी मार के टोक लगा के रोक लिया। अब जिस काम का बेड़ा मैंने अपने सर पे लिया है ना, वो करने जाऊं? रॉकेट, दिक्कत क्या है तुम्हारी? हमारे बीच में ऑलरेडी बात हो चुकी है ना। अगर कोई भी गड़बड़ हुई तुम्हारे ऊपर नाम नहीं आएगा। अभी काम ना, मुझे अपने तरीके से हैंडल करने दो। वही तो मैं पूछ रहा हूँ मयूर जी कि आप यहाँ। पहले आप बताइए कहाँ छुपा रखा है आपने ओमकार को? क्या किया आपने उसके साथ? मयूरा,
मयूरा! उस कमरे से क्यों आवाज आई? आपने इस कमरे में रखा उसे? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। मयूरा जी, मयूरा जी, मयूरा। हेलो। क्या? अरे मयूरा, वहां पहुंचे कैसे? कुछ भी करके मयूरा को वहां से निकालो प्लीज। सुनो, भले ही ओमकार बाहर निकले, मेरी मयूरा को कुछ नहीं होना चाहिए। ओमकार! मेरा दिल जानता था तुम जरूर आओगी। कैसे नहीं आती ओमकार? तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? अब ठीक हूँ। इस कमरे में क्यों बंद किया इन लोगों ने? मुझे बहुत गड़बड़ लग रही है, जल्दी चलो यहाँ से। मयूरा सर, मैंने मयूरा जी को रोकने की बहुत कोशिश की, पर सर, पर सर मयूरा। सर, पांडे जी, मेरी मयूरा अंदर है। नहीं सर, नहीं सर, सर, नहीं, सर, सर, मयूरा, मयूरा, नहीं सर, मयूरा, नहीं सर, पांडे जी छोड़ो मुझे, नहीं सर, सर नहीं प्लीज, सर। क्या किया तुमने ओमकार और मयूरा के साथ? क्या किया? हमने कुछ नहीं किया, जो भी हुआ गैस सिलेंडर फटने की वजह से हुआ। अगर दोनों में से किसी को भी कुछ भी हुआ ना, मैं नहीं छोड़ूंगी तुम दोनों को। मयूरा दोनों के दोनों बम धमाके में फंस गए? कैसे हैं दोनों ये बता तू। अभी दोनों नहीं मिले। कुछ ना होगा मयूरा ओमकार। अरे एक दूसरे के पूरा क्या बोलो। खोलो, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, उठो। चलो उठो। ओमकार, कैसे निकलते हैं यहाँ से बाहर? हम साथ हैं ना, तो किसी भी मुश्किल से निकल सकते हैं।
यहां से भी निकल जाएंगे।